गाइस, जय माता दी गाइस। जय माता दी भगत जी। गर्मा गर्म चाह, गर्मा गर्म चाह, ठंडा ठंडा कोल कोल पानी है। आओगे जी। जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आज के ब्लॉग में आपको लेकर जा रहा हूँ माता के चिंतामणि के मेले। स्टार्ट हो गया माता चिंतामणि का मेला 17 तारीख से, और बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। लास्ट मैंने 31 जुलाई को वहाँ का ब्लॉग बनाया था, वहाँ जाकर तब मेला सेकंड मतलब थर्ड मेला था तब। आज मतलब कि आज भी थर्ड मेला है, आज थर्ड मेले पे जा रहे हैं 17, 18, 19। तो ये पूरा 25 तारीख तक चलेगा। तो आज के दिन हम वहाँ पे रौनकें आपको दिखाएंगे, वहाँ की रौनकें को इन्जॉय करेंगे, मेले को इन्जॉय करेंगे माता चिंतामणि के। और आपको भी साथ में जोड़ लेते हैं इसके, जो मेरे पुराने ब्लॉग वाले जुड़े थे, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लोग मेरे साथ जुड़ गए थे तब, तो उनके लिए और आज के दिन के लिए। आज शनिवार है, शनिवार और संडे हम दो दिन वहाँ पे माता रानी के मेले पे होंगे। और बीच बीच में जो जो चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई वो आज दिखाऊंगा। लंगर नहीं मैंने दिखाया, लंगर दिखा दूंगा। और कुछ मंदिर भी थे ऐसे, शिव शिव के मंदिर थे, मैंने दिखाए नहीं, तो आज आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस सब कुछ रेडी, 1:30 हो गए, मतलब कि बस निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और साथ में ना ये थोड़ा सा सामान है लंगर की सेवा का। और संक्रांत में, जैसे संक्रांति में जब यहाँ से लंगर के लिए हमारे मोहल्ले में एक बस जाती है, तो वो वहीं पर भूल गए, तो ये साथ में लेके जाना पड़ेगा, काफ़ी वेट है इसका भी। तो रास्ते में जो भी लंगर लगा होगा वहाँ पे हम इसको घर वालों की तरफ से सेवा दे। चल चक्कर लंगर का सामान, चलिए। जय माता दी, जय माता दी, हमने जय माता दी छाड़ दो, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बाय, जय माता दी, बाय। Hello।
लाडो लेकिन लाडो रास्ता दे लाडो। जय हो। फर्स्ट ब्रेक पीर बाबा दिलावर शाह हुसैन जी। लास्ट वाले ब्लॉग, पिछले साल वाले ब्लॉग पे भी ब्रेक यहीं पर लगी थी पहली हमारी, तो यहीं पर दोबारा आ गए। तो पिछले साल आपने देखा होगा यहीं पर मैंने दिखाया था आपको पीर बाबा दिलावर शाह हुसैन जी। जय हो। आज भी मतलब कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जब मैं चिंतपूर्णी जाना स्टार्ट किया तब यहाँ से पहली ब्रेक तो यहीं पर लगती होती थी जब मैं बाइक पे होता था। ठीक है, तो आज फिर चलो तू मत देख ला हाथ तोला बैग दे। 3 बज गए गाइस और घर से हम 1:50 से निकले, तो 1 घंटा लग गया हमें यहाँ पहुँचने को। झंडा भी हो गया, अब दरबार भी आ गया, मेन गेट आ गया चिंतपूर्णी दरबार का, फर्स्ट स्टोरी वाला। जय हो। जय माता दी। जय माता दी। जय कुछ नहीं, क्योंकि सामने आंखों के झंडा आ गया। ऐसे चलाना पड़ेगा मुझे ऐसे। जय माता दी। जय माता। अब चिंतपूर्णी के लिए जाएंगे। जय हो। माता जी के दर्शन करके जाएंगे भाई। जय माता दी। और सेकंड ब्रेक माता के मंदिर पे। जय हो। जय हो महारानी। चल ही आन दे हो। अगे दे देने किसे। भाई थोड़ा घूम के कर ले। सामने चौहान डैम है और यहाँ पे लंगर लगे हुए हैं, यहीं पर हम सामान देते हैं। ये लगा हुआ माता चिंतपूर्णी चिन्मती सेवा सोसाइटी, यहाँ पे हम देते हैं।
वाह भाई वाह। तो वहाँ पे भाई स्पीकर बहुत बड़े बड़े लगे थे, मैं कुछ कह नहीं पाया। अभी हम फ्री हो गए, पूरा बाइक थोड़ा सा हल्का हो गया। तो ये दरगाह अभी हजरत बाबा पीर की, ये चौहान डैम से अब चढ़ाई शुरू होने वाली है। जय माता दी बोल के, जय माता दी। पिछले साल से ज़्यादा मतलब कि बहुत कम रश है आज, बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता है अभी से चार टाइम तक लाइनें लग गई थी गाड़ियों की, ये तो बहुत कम है। ऊपर जाके पता चलेगा अब कितना रश है।
तो भाई हिमाचल एंटर कर गए हैं, हिमाचल के अंदर ही है मतलब कि हम। और रश भाई वो कम है, पिछले साल हम संडे को आए थे ना तब इतना रश था, आज रश देखने को नहीं मिल रहा, कल शायद रश मिल जाए देखने को। और पानी गड अभी यहाँ पेट्रोल पंप पे ब्रेक लगी है और ये आपको व्यू दिखा देते हैं नेचर का। ओहो हो, यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है गाइस, यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है। पोल्यूशन नहीं बनया वैसे साडा, लोड़ नहीं पैनी। जय माता दी भाई, कुछ बन रहा है शायद, बनाएंगे कुछ तो, कुछ करेंगे हिमाचल वाले, मुझे उम्मीद है। ओह नेचर, ब्यूटीफुल नेचर, जय माता दी। बच्चों में भी वो बड़ा उत्साह है भाई पैदल चलने का, वाह भाई वाह, हाल बात है। ये देखो बच्चों से बड़े, ये वो जगह आ गई गाइस जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम फोटो शूट किया था, बस फोटो शूट इतने भरावा कितना सी आ जा रास्ता है, नहीं रास्ता बंद है, नहीं नहीं ये वो जगह आ गई जहाँ पे हमने फोटो शूट किया था, आ जा व्यू अच्छा आएगा, वाह चाबी नगर से। गाइस जय माता दी गाइस, आया पारो तू भी तो इतने ही फोटो क्लिक करना, ओ उधर कराऊंगा, ओ पीछे ना गिर जी। ओ गाइस बस, हो यहाँ कब पहुँच गया पता ही नहीं चला नहीं तो बहुत टाइम लग जाता यहाँ आते आते, संडे को आता ना तो शायद लग जाता टाइम। आपको याद होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग में यहाँ से एक अंकल मोगा से पैदल आ रहे थे और मैंने यहाँ पे उनका एक क्लिप लिया था। गाइस फोटो शूट हो गया, चलते हैं अभी। और मेरी शर्ट का पेंट उतर गया भरावा, देख बैग ते रुक जा, तेन शर्ट दी पई है नीचे तो उतर गई, पहला पेंट तो बाद उतर, वो बच गए स्लिप है बार, ध्यान ना आई घर है इतने। तो गाइस कुल्ला वाले बाबा जी के पास पहुंच गए, पहले तो गाइस बुल्ला वाले बाबा जी के पास पहुंच गए, हर हर महादेव, जय माता दी जय माता दी, जय हो। बुल्ला वाले बाबा जी को मिल लेते हैं क्योंकि हमने पिछले लास्ट में बोल देता हूँ, लो जी पहुंच गए बुल्ला वाले बाबा जी के पास। तो गए फाइनली बाबा जी से मिलने, और उन्होंने बताया, मुझे पता ही है, उन्होंने बोला लंगर खाना है, आरती देनी है, और ये आपको मैंने लास्ट ईयर के ब्लॉग, तो गाइस मैंने जब लास्ट ईयर ब्लॉग में बताया था कि ब्लॉग लंबा ना हो जाए, आपको देखने में भी मज़ा आए, और यहीं पर हम ब्लॉग ही जैसे पिछले साल एंड किया था यहीं पर बुल्ला वाले बाबा जी के, यहीं पर ब्लॉग को एंड करेंगे, आपको लंगर दिखा देते हैं। हेलो
अभी लंगर खा लेते हैं उसके बाद फिर यहीं पर ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। गाइस कड़ी भिंडी साथ में प्रसाद, ठीक है खा लें। तो भाई पेट पूजा तो हो गई, अब अगर बाबा जी ने बोल दिया आरती देख के जाना है तो आरती तो यहाँ 8 बजे होगी, तो अगर उन्होंने बोल दिया तो रुकना पड़ेगा। जब अगर पूछ लेते हैं क्या कहते हैं, 8 बजे आरती होगी। फिर आपको ये दिखा दिया था लास्ट ईयर के ब्लॉग में, आज फिर दिखा देता हूँ। ये हॉल है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो और फ्रेश हो सकते हो, भूख लगे तो 3 टाइम का खाना बनता है, 3 टाइम खा सकते हो। जय माता दी, हाँ सेवादार सारे सेवादार, जय माता दी। इनके वाई कम कराओ थोड़ी सी। तो गाय ये सभी सेवादार है यहाँ पर, फुल्ला वाले बाबा जी की यहाँ। किन्ने साल तो जी तुसी? ये हो गए 35-40 साल हो गए ना, अच्छे होंगे सेवा दे। 36 साल मंडे आंडे हो गए। कितों आने तुसी? मैं पहले करनाल तो आंदा सी। ओ वाह, हुण ले जाना ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਉੜ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ। 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਨੋਰਮਲ ਮੰਦਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣ 'ਚ? ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ 1991 ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ? 1991 ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। 1999 'ਚ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ 2020 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪੋਤਾ ਜੀ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪੋਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਪੋਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੋ ਬਾਈ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 1991 ਸੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, 89 ਸੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਆਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲਗਾ ਹੂਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਬ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ 3 ਟਾਈਮ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, 24 ਘੰਟੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ। ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ, ਨਹਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪੜਤਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪੜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇਗੇ ਥੋੜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਵੀ ਥਕਾ ਹੂਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਕਾ ਹੂਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ
पिछली बार मैंने बाबा जी नहीं दिखाए, आज मैं बाबा जी दिखा रहा हूँ आपको, रिवील कर रहा हूँ। और ब्लॉग की एंडिंग यहाँ पे करता हूँ और मिलता हूँ आपको माता रानी चिंतपूर्णी के सफ़र में अगले ब्लॉग में। ठीक है बाबा जी, बड़ा अच्छा किया। ओके गाइस बाय। मम्मी मैं चिंतपूर्णी पहुँच गया।